आज मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट लेक्चर से केमिस्ट्री रहेगा डिटेल वाइज। तो यहाँ मैं सिर्फ डील करूँगा, जैसे केमिस्ट्री आप देख रहे हैं नोट्स के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री, तो हमको समझना है कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। तो केमिस्ट्री वर्ड जो है, देख लिए यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इजिप्टियन वर्ड। जो केमिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से आया था, इजिप्टियन वर्ड से आया है। इजिप्टियन वर्ड कौन सा वर्ड से आया है, तो कीमियो से आया है। कौन सा वर्ड है, कीमियो, ये एक इजिप्टियन वर्ड है, इसी से ये आया है केमिस्ट्री। और कीमियो का मतलब क्या होता है, कीमियो का मतलब होता है ब्लैक कलर। कीमियो का मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर। तो केमिस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड क्या हो सकता है हमारा, ब्लैक कलर से, ठीक है। और द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, जब हम स्टडी की पढ़ाई करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, तो उसे एक वर्ड दिया गया है। तो जो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का, उसे हम कहते हैं कैमियो टैकिंग, कैमियो टैकिंग कहते हैं, ठीक है। और देखिए, अब हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है मूल रूप से। तो द केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है नेचुरल साइंस का। केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है नेचुरल साइंस का, जिसमें इन विच जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का या मैटर का हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर पढ़ते हैं। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, अलॉन्ग विथ सम अदर चेंजेज, और कुछ चेंज के बारे में भी पढ़ते हैं, बदलाव के बारे में पढ़ते हैं, जो बदलाव किसी एक्शन या रिएक्शन के कारण होता है, उसी को हम तो केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री के पिता कौन कहलाते हैं, द केमिस्ट लेबुजियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं, लेबुजियर कहलाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के पिता कौन कहलाते हैं, लेबुजियर कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन जान गए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा होता क्या है, जो हम अपने आसपास में ऊपरी आवरण से देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो स्टेट ऑफ मैटर्स पहला, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, जो मैटर ही तो देखते हैं हमारे आसपास जो है, तो देखते हैं कि मैटर क्या है, जान लेते हैं कि मैटर क्या है। द मैटर इज दैट सब्सटेंस, मैटर वो है सब्सटेंस है विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या करता है स्पेस रखता है, हैज ए डेफिनेट मास, जिसके पास अपना एक डेफिनेट मास है, फिक्स्ड मास है, कैन एग्जर्ट प्रेशर, जो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है दूसरे वस्तु पर, कैन प्रोड्यूस फिजिकल रेजिस्टेंस, हैज द वर्च्यू ऑफ इनर्सिया, जिसके पास गुण है, इनर्सिया का गुण है, स्टेट में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा मैटर, उसे हम मैटर्स कहते हैं। और मैटर्स और क्या कर सकते हैं, वैसे सब्सटेंस या वैसा मैटर जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक या दो दो तीन या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके हम सेंस ऑर्गन से हम उसको फील भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब टोटली कहने का मतलब है कि मैटर क्या वस्तु है, जो अपना स्पेस एक्यूपाई करता है, जिसके पास अपना एक डेफिनेट मास होता है, जो प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं देखिए इसको मैं मिनिमाइज कर दिया हूँ, कि आप इसका एक नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक कंटेंट समाप्त हुआ, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा कंटेंट का वीडियो, मतलब वीडियो का कंटेंट कैसा था, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।